के लिए भी ये मौसम बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। धुंध के चलते यहाँ वाहन चालकों को वाहनों की लाइट जलाकर पूरे दिन ड्राइविंग करनी पड़ी है। उधर तड़के सुबह स्कूल जाने वाले छात्रों और कामकाज के लिए जाने वाले लोगों को भी कोहरे के चलते बेहद परेशानी हुई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे पूरे दिन भर कोहरा छाया रहा और जो गाड़ियां थी वो रोंगती हुई दिखाई दी। सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको हुई है, जो लोग ऑफिस दफ्तर जाते हैं उनको हुई है। और आज भगवान सूर्य के दर्शन नहीं हुए पूरे दिन, आज कोहरे की चादर में ये पूरा शहर निपटा रहा। दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हैं। तो सुबह पारा गिरने से थोड़ी ठंड बढ़ी लेकिन उसके साथ कोहरा भी आ गया, कहीं पर हल्की हल्की बारिश भी हुई है और मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था, लेकिन इससे कुल मिलाकर यह है कि ठंड बढ़ चुकी है और लोगों के लिए इस वक्त थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। तो रात का तापमान 6 डिग्री पहुंच चुका था। प्रदेश के करीब एक दर्जन जिले हैं जहां पर बारिश हल्की हल्की हो रही है। अजमेर में सबसे ज्यादा 9.1 mm बारिश अब तक दर्ज की गई है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ ने अचानक यहां पर मौसम बदल दिया है। करीब आधा दर्जन जिलों में हल्की तेज बारिश हुई है, रुक रुक कर बारिश हुई है जिसके चलते ठंड बढ़ गई है और जयपुर के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश की खबर सामने आई। शीतलहर के चलते तापमान में भारी गिरावट जिसके चलते ठंड बढ़ी, मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है। कहीं पर बारिश, कहीं पर ठंड, कहीं पर मावठ और कहीं पर आज पूरे दिन कोहरा छाया रहा।